तो गाइस जी मेरे ससुराल से जो है ये पहला गिफ्ट जो है मेरे हस्बैंड जी ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं। हाँ देख दिखाइए गिफ्ट दिखाओ गिफ्ट दिखाओ खोल करके दिखा। क्या है नहीं है कल से मम्मी हमको भेज रही गिफ्ट आया गिफ्ट आया। हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग कैसे आप लोग आशा करते हैं बहुत ही अच्छे हो चुका मॉर्निंग का टाइम। आज मम्मी जी को डॉक्टर साहब के पास ले जाएंगे। सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं तीज स्पेशल की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे घर में जो तीज का त्यौहार नहीं हो पाया। सबसे पहले मम्मी जी का तबीयत खराब है इस वजह से जो है वो सह नहीं सकती। खाना वगैरह उनको खाना जरूरी है क्योंकि गैस का प्रॉब्लम हो सकता है और परेशानी बढ़ सकती है इसलिए माफ़ी चाहते हैं। और अभी देखिए दोपहर का टाइम हो गया बहुत ही प्यारा मौसम। इधर हमारा बकरिया मस्त है इधर गुड मॉर्निंग बोल दे तोता ये कभी बोलता ही नहीं गाइस क्या करे इसको उड़ा दे क्या करे। आप लोग कमेंट जरूर आप लोग कमेंट तो करते हो कि इसको आज़ाद कर दो पर क्या ही बताया आज़ाद कर देंगे तो शायद कहीं उड़ नहीं पाएगा वो भी दिक्कत हुआ क्योंकि ये पालतू तोता है एक तरह से बट लेकिन बोलता नहीं। इधर आपकी छुटकी बहना है गुड मॉर्निंग क्या बन रहा है खाने में भुजिया रोटी वाह क्या बात है। छुटकी बहना आज रहेंगे घर पे अकेले ही हम मम्मी जा रहे हैं पापा जी अभी तक पटना से आए नहीं उनको काम था इसी वजह से वो चले गए थे क्योंकि बीच में ज़रूरी है थोड़ा काम बहुत भी करना क्योंकि गाइस थोड़ा सा घर का भी जो है ना खर्चा वगैरह जो थोड़ा सही हो जाए ठीक ठाक हो जाए। और वैसे भी पापा कहीं बैठते नहीं हैं तो उनके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बैठे बैठे वो रह नहीं पाते हैं हम लोग उल्टा डांटते रहते हैं कि हम काम काज जो आते हैं उनको काम ही करने दिया करो तो चले जाते हैं बाकी ये तो ही मेरा काम रहता है। मम्मी सभी मिलवाते हैं कपड़ा वपड़ा पहन के अभी रेडी हो गए नॉर्मली कपड़ा पहने अभी क्योंकि सब कपड़ा भी गंदा है तो छुटकी बहने के लिए जींस वगैरह रख दिए हैं। टी शर्ट रात में भीग गया था तो उसको पहन नहीं पाएंगे अभी तो पूरा भीग दिखे दिखाते हैं आप लोगों को। रात में घनघोर बारिश हुआ था जूता भी पूरा भीग गया है तो पहनेंगे तो फिर पैर कटने का डर होता है गाइस नहीं नहीं पैर कटने का डर हो सकता है इसको सूखने ही देते हैं। पूरा भीगा हुआ ये भी पूरा भीगा हुआ ये भी भीग गया रात के टाइम। चलिए आज के प्यारा ब्लॉग को छुटके और इधर देख सकते हो हमारी प्यारी सी मम्मी गुड मॉर्निंग बेटा बताइए ठंडा घर है तभी मम्मी एकदम पसना है क्योंकि आज दवा नहीं खाई नहीं इसी वजह से क्या कर रही हो अभी रागनी का कपड़ा सब संत रहे जाएगा डॉक्टर ने तुम्हारे मेहमान जी के दे देंगे। अच्छा रागनी के लिए ना मतलब रागनी में आप कभी नहीं आएंगे उसको तो भगाए रहो साथ में। नहीं नहीं कपड़ा मम्मी जी का आशीर्वाद लेते हैं यहाँ पे और मम्मी का घर का खजाना दिखाते हैं। मेरे घर में देखिए एक ये डब्बा है जिसमें बिल्कुल खजाना नहीं है एक ये डब्बा है जिसमें जो बर्तन वगैरह रखा सब खाली है और ये एक पेटी है यहाँ पे गाइस जो किसी काम का नहीं सिर्फ कपड़ा ही रखा रहता है मतलब खजाना कहीं भी नहीं है कुछ भी नहीं हमारे घर में। खजाना पता है क्या है हमारा यूट्यूब चैनल और आप लोग सपोर्ट करोगे सब कुछ पेमेंट आएगा वही खजाना है ना मम्मी। हाँ। तो चलना है अभी हाजीपुर जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ ले चलते हैं खजाना जितना है इसमें बेटा बेटी है भाई बहन है तो सपोर्ट करेगा तो जरूर खजाना। चलिए दोस्तों अभी मम्मी रेडी हो जाएंगी और मम्मी को आज खाना नहीं खाना है हमी को खाना है भुजिया रोटी एक दो खा लेते हैं और उसके बाद स्कूटी से सीधे निकलते हैं हाजीपुर के लिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से क्योंकि मम्मी खाना इसलिए नहीं खाएंगे क्योंकि मम्मी जी का आज फिर से अल्ट्रासाउंड होगा पूरा प्रॉपर तरीके से और जांच होगा कि क्या दवा खिलाया जाए और क्या दवा में अच्छे तरीके से इलाज हो। तो गाइस फाइनली हम रेडी हो चुके हैं मम्मी जी के साथ में। मम्मी चलिए स्कूटी बाहर है चलिए मिलते हैं आप लोगों से हाजीपुर। ठीक है तुम घर में रहना है और कोई भी दरवाज़ा वगैरह खटखटाए खोलना मत अभी ठीक है तुम अकेले घर में आराम से रहना फ़ोन ऑन करना कोई ज़रूरी पड़े तो। चलिए दोस्तों चलते हैं हाजीपुर। फाइनली हाजीपुर हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं उधर मेहमान जी हैं मम्मी हैं मम्मी जी का भी होगा अल्ट्रासाउंड देखते हैं रिपोर्ट में क्या आएगा यूरिया और खून का रिपोर्ट भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों रिपोर्ट आ चुका है खून का और यूरिया जांच का मेहमान जी लेकर के आए हैं। मेहमान जी क्या हुआ है मम्मी को बताइए ठीक हो जाएंगे बहुत जल्दी ठीक होंगे। अच्छा तो गाइस फाइनली मम्मी जी का अल्ट्रासाउंड हो गया ये दूसरा अल्ट्रासाउंड है उसके बाद सारा रिपोर्ट को लेकर के डॉक्टर साहब के पास जाएंगे। अभी 11 बजे वो बैठते हैं लेकिन 12 बज चुका है और उससे पहले हमको थंबनेल का एडिटिंग करना है। चलिए अभी चलते हैं डॉक्टर साहब के पास में। डॉक्टर साहब को आने में लेट हो गया है और काफ़ी लेट आएंगे तो मम्मी जी के लिए जब तक सेव खिला दे क्योंकि मम्मी को तिल को खाना नहीं है तो अभी होटल में आ गए मम्मी को सेव छील करके खिलाना है। सो
गाइस फाइनली डॉक्टर साहब से दिखवा दी मम्मी जी को। मम्मी जी का जांच हुआ था अभी अच्छे तरीके से, कोई बड़ी बात नहीं, इन्फेक्शन है थोड़ा सा तो सही हो जाएगा। दवा भी लेकर के चलते हैं घर के लिए और मम्मी को खाना वगैरह सब कुछ खिलाए दिए थे। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि डॉक्टर साहब गूगल का रिव्यू मांग रहे थे, तो मजबूरन अपने बारे में उनको बताना पड़ा कि हाँ हम ये चीज़ ये कार्य करते हैं। तो चलिए अच्छा लगा ये चीज़, क्योंकि गाइस हर जगह पर बताना सही नहीं होता, उचित नहीं होता कि आप तक कौन कैसे मूड में हो, वीडियो ब्लॉगिंग को पहचानते हो कि नहीं। हमारे गांव में मतलब जिस तरीके से थोट है तो समझिए कि वो भी इसी एरिया में गिनती आता है, तो इस वजह से थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन डॉक्टर साहब पकड़ लिए कि आप वीडियो शूट कर रहे थे, क्या करते हैं तब उनको बताना पड़ा। फिलहाल भी मम्मी जी को दवा दिला देते हैं, अच्छे से दवा ववा खाएँगे, फिर हमको निकलना थोड़ा मोदी नगर किसी काम को लेकर के चलते हैं। जब और मेहमान जी रागनी से बड़ा लड़ाई करते हैं, आप लोग समझाइए कमेंट करके, आप काहे नहीं जा रहे हैं, चल जाइए घर। अच्छा चल जाएंगे सामने। वो दवा वगैरह ले चुके हैं, हाजीपुर से निकल गए। मम्मी जी को प्यास लगा था ज़ोर से, तो भगवान जी का मंदिर है यहीं पे, ये बैठी है सामने, कल वहाँ से पानी भर दिए हैं। छुटकी बना घर पे अकेले हो गए, जल्द ही जाना पड़ेगा और आज जल्द काम हो गया क्योंकि आज एक्सरा था और दवा लेना था। जब घर चलते हैं, घर पर मिलते हैं आप लोगों से। धूप ठंडा हो रहा है यहाँ पर, मौसम इस हिसाब से चल रहा है। सामने वाला घर बहुत ही प्यारा लग रहा है, कोई सक्सेसफुल इंसान का है, गाड़ी लगी हुई चार पहिया। चले मम्मी आ जाइए। तो भाई जस्ट अभी हाजीपुर से घर आ चुके हैं, इवनिंग का टाइम हो गया, छुटकी बना का तबीयत ठीक नहीं है तो आराम कर रहे हैं नीचे। क्या ही बताया, खाना भी सही से नहीं बना पाई वो, तो अभी हम लोग भूखे ही हैं। मम्मी अपना हरिया बर्तन कर रही है, देख सकते हो आप लोग, लाइट तो आया हुआ है, अभी थोड़ी देर में लाइट भी जला देंगे क्योंकि अंधेरा हो गया है। अभी बिल्कुल भी शक्ति नहीं मिल रहा था, मन कर रहा था कि सो जाए मुझे फिर व्लॉग स्टार्ट कर लीजिए, मम्मी थक नहीं रही तो हम कहे थके। देखिए हमारी प्यारी सी मम्मी अभी जस्ट आए दवा दिलवा करके, और देखिए राख को जो है हटाने में लगी है, अभी चूल्हा को साफ करके अब खाना तैयार करेगी मम्मी। क्या करे, घर में कोई है ये नहीं है, बहू के लिए नहीं करते हैं राजा, तो अब तबीयत नहीं ठीक है तो कैसा हूँ नहीं करके देंगे खाना बना करके, तो राजा भी भूखे रहेंगे, सुहानी भी भूखे रहेंगे, हम भी रह जाएंगे भूखे। सही बात है, ऐसा होता है। चलिए कोई बात नहीं, खाना हमको भी बनाना चाहिए, प्रयास करेंगे खाना वाना बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले खाना बनाते थे। अभी पूरा का पूरा इवनिंग का टाइम हो गया, जैसे घर पे आए वैसे ही सो गए थे, कपड़ा वड़ा चेंज करके, बहुत थकावट हो रही थी गाइस क्योंकि बाइक चलाना उतनी दूर था ना, कम से कम 100 किलोमीटर का तो फासला पड़ ही जाता है। बाकी यहाँ का प्यारा सा सुहाना मौसम देख लो आप, बहुत प्यारा मौसम है। इस मौसम को देख के ना टिकटॉक वाली याद आती है, टिकटॉक पे जब वीडियो बनाया करते थे तो यहाँ पे मम्मी जी को कुर्सी पे बैठा लेते थे, दीदी बैठी रहती थी, हमारी छोटी सी भांजी नंदनी रहती थी यहाँ पे, साइकिल चलाती थी और हम इस घर से निकल करके मम्मी और दीदी का पाँव छूते थे और वीडियो बनाते थे, और ऐसा ही मौसम रहता था बिल्कुल। इसी जगह पर खड़ा होकर के सोचते थे कि भगवान हमें किसी लायक तो बनवा दो, हमारे फॉलोअर बढ़ा दो, लोगों के बीच में ला दो, लोगों का प्यार हमें दे दो। पता नहीं अचानक से क्या हो गया, भगवान ने बस दे दिया और आप लोगों ने सपोर्ट कर दिया। तो फिलहाल अभी मम्मी चूल्हा वाला साफ़ कर रही है, बर्तन वर्तन साफ करके बस मस्त अभी खाना वाना बनेंगे। देखिए लेके जा रही है मम्मी, दोबारा भी फेंकेंगे। राख उठा के मम्मी का परंपरा है शुरू टाइम से ना, फेंकना जा रहा है। आज मम्मी अकेले खाना बनाएंगे, क्या होता है। चलिए हम आटा गूंथ देते हैं ताकि मम्मी जी का हाथ बढ़ जाए, आराम से खाना बना सके। धीरे धीरे घर में ना लोगों की कमी होती जा रही है, क्या बताएं भाई, समय ऐसा होता है ना। चलो मम्मी आओ, चलिए इधर का लाइट भी जला दिए। मम्मी लाओ ना आटा सान दे, अभी बकरियों को कच्चा बकरियों को चारा देंगे। पूरा दिन सब भूखे हुए थे ना, तोता भी एकदम भूखा हुआ था एकदम साफ, तोता के लिए चने नहीं रखे सुबह, नहीं उसको दिए थे वो जो बुनिया लाया था ना गणेश भगवान जी वाला, तो वही दिए थे उनको भगवान गणेश जी को, सुहानी को नहीं दिए, सुहानी को कुरकुरा दे दिए, सुहानी का तबीयत ठीक नहीं था, भगवान जी गणेश जी वाला जो बुनिया लाया था वही तोता को दे दिए, खा लिया बेचारा, उसमें काजू थोड़ा सा मिक्स करके दे दिए, टेस्टी लग गया होगा उसे। और इधर देख सकते हैं गाइज, मम्मी जी बकरियों के लिए चारा जो है सान के रख रही है, इसमें चोकर मिला रही है ना मम्मी, और भूसा दर्रा मकई का, सब बेचारे मुंह देख रहे हैं, ये खड़ा है अभी कि कब बन जाए जो हम लोग खा ले, सब बैठा हुआ है। तो आज मम्मी मसाला पीस रही है, तो मसाला के लिए मम्मी को रेसिपी दे रहे हैं, मसाला की पुड़िया
मम्मी बहुत गुस्सा कर रही है कि बहू को नहीं ला रहा है खाना, हमको बनाना पड़ रहा है क्योंकि पापा भी नहीं है। छुटकी बहना मस्त अभी नीचे आराम कर रही है क्योंकि उसका मम्मी गुस्सा हो रही है, मम्मी को अकेले खाना बनाना पड़ रहा है इस वजह से। छुटकी बहना की तबीयत ठीक नहीं है, नीचे बहना आराम कर रही है। यहाँ पे लाइट हम लगा दिए, लाइट ऊपर भी आ गया। मम्मी आज बना रही पिट्ठा, सबसे आसान काम है। क्योंकि आज मैं आपको बता दूं कि मैं भी खाना बना ही लेता हूँ लेकिन प्रॉपर खाना नहीं बना पाता हूँ, प्रॉपर नहीं बना पाता हूँ खाना। जैसे कि पूरा देखिए देखिए छिपकली भी परेशान करता रहता है, देखिए मतलब खाना ना में गिरने का बहुत डर होता है। अभी गैस भी नहीं डलवा पा रहे, आज मम्मी जी को हाजीपुर से लेकर के आज जाँच वाँच करवा दिए, दवा ववा दिलवा दिए, आराम से अपना खाएंगे तो हम भी थोड़ा सा फ्री रहेंगे, अपना इधर उधर घूम घाम करके ब्लॉग बनाते रहेंगे, अच्छा अच्छा ब्लॉग आप लोग के लिए देते रहेंगे। दोस्तों मैं बता दूं कि हमारे घर में बहुत सारा परिवार थे, धीरे 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 करके सब एक एक करके चले गए अपने अपने दुनिया में अपनी ज़िंदगी जीने के लिए। बस हमारे मम्मी और पापा ही रह गए, पापा भी अभी बाहर हैं और छुटकी बहना कुछ दिन में चली जाएगी। तो बड़ा मन जो है ना व्याकुल रहता है कि घर में मम्मी को कौन देखेगा, हम भी बाहर चले जाते हैं कभी कभी ब्लॉग व्लॉग बनाने के लिए इमरजेंसी में। कमर टूटा हुआ है, नस दबा हुआ है मम्मी के, इसलिए रोटी बेलने में नहीं बन पाया था। सोच रहे दाल वाला पिट्ठी बना ले, अपना खा लेंगे, कैसा हूँ तो पेट मानेगा नहीं, पेट भर जाए बस। जैसे घर पहुंचे हैं तो सवेरे का टाइम का ही भुजिया था, भिंडी का रोटी था, बचा हुआ तो मम्मी खाई हम खाए, और थोड़ा बहुत बिस्किट वगैरह था वो तोता को दिए, फिर हम खाए, फिर मम्मी बकरी को चारा दिए। अब जाकर खाना बन रहा है, वो भी सबसे आसान खाना मम्मी बना रही है, पिट्ठिया पिट्ठा जिसको बोलते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ला करके नहीं देते हैं, आसान खाना भी कहते हैं मम्मी। मम्मी को तो रहेगा तो सोचेगा जब हमारा बेटा नहीं खाया सो गए, कोई बात नहीं तो मोटा नहीं इतना मम्मी कर देती है ना हम लोग के लिए बहुत है। तो भाई ये देख सकते हो मम्मी जी बना रही है पिट्ठा, बहुत एकदम मोमोज की तरह। इसको आप लोग बिहारी भाषा में और नेपाली भाषा में मोमोज भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारे बिहार में खास करके पिट्ठा बनाया जाता है। बड़ा डिजाइन से हमें बना रहे हैं, अच्छा लगेगा खाने में चटनी। हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग, आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। कहते हैं कि हर सवेरे के साथ गुड न्यूज़ होता है, तो हमारी छुटकी बहना के साथ जो है गुड न्यूज़ हुआ है, आप लोग को हम आज दिखाने वाले हैं। और सुहानी को जो फर्स्ट जो है गिफ्ट ससुराल की तरफ से उनके हस्बैंड साहब ने भेजा है, तो हमें बड़ा अच्छा लगा है क्योंकि देखिए आज के टाइम में लोग कुछ भी सोच सकते हैं कि भैया अभी आप मतलब छुटकी बहना का शादी कर रहे हो वहाँ से गिफ्ट आ रहे हो। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि हम लोग बहुत ही नीचे स्तरीय से उठे हैं, हम लोग चाहते हैं कि हमारा जीवन और हमारे परिवार में हमारे फैमिली का हमारे बहना का जीवन बन जाए, क्योंकि हम लोग कोई अरबपति करोड़पति है नहीं कि कहीं पर भी जो है तिलक दे करके झोंक दिया और बढ़िया से बढ़िया घर में जो है शादी कर। लेकिन जो भी हमारे लिए रिश्ता आ रहा है जैसा भी आ रहा है हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, ताकि हमारी बहनों का लाइफ बन जाए, बस हम यही चाहते हैं। और जीवन में तो आगे बढ़ना तरक्की करना ही, मेहनत कर ही रहे हैं। तो छुटकी बहना दिखाओ। तो गाइस मेरे ससुराल से जो है ये पहला गिफ्ट जो है मेरे हस्बैंड जी ऑनलाइन ऑर्डर किए हैं। हाँ देख दिखाइए गिफ्ट, दिखाओ गिफ्ट दिखाओ, खोल करके दिखाओ। क्या है नहीं है, कल से मम्मी हमको भेज रही गिफ्ट आया, गिफ्ट आया है। ये देखिए ये कौन सा कपड़ा है, ये छुटकी बहना का गिफ्ट है ससुराल से, इनके हस्बैंड साहब ने भेजा है, देख सकते हो आप लोग बहुत ही प्यारा है। पढ़ाई करने के लिए जाएगा, पढ़ाई करने के लिए जाएगी अपना स्कूल के लिए भेजा गया। क्या है ये क्या है, ये टॉप है, ये फुल टॉप है। ये छुटकी बना गिफ्ट है, देख सकते हो। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है। ये पैंट है, ये ना लॉलीपॉप है ना। चलिए ये दो ठो भेजा, चलिए मम्मी बोलिए कि ब्लॉग बना। अच्छा ठीक है चलिए कोई बात नहीं। हम देखो दोस्तों हम यही चाहते हैं कि मम्मी अपना रिश्ता की है, तो अभी रिलेशन ठीक है, हम कभी मिले नहीं है, तो जब मिलेंगे तब आपको अच्छे से हम ब्लॉग भी बनाएंगे और दिखाएंगे, क्योंकि मैं सच बताऊं तो मेरे पास समय नहीं रहता। और आज फिर हमको बरौनी साइड में निकलना, फिर महदीनगर भी निकलना है, तो बिल्कुल भी समय नहीं बच पाता है। तो अपनी बहना को हम तो आशीर्वाद ही देंगे, ऐसा नहीं है कि कोई भी भाई अपना बहन को आशीर्वाद ना दे, और बस मम्मी का आशीर्वाद रहेगा तो सब ठीक होगा। आप लोग भी अपना बहना को आशीर्वाद दे, खुश रहे खूब, इनके जो हस्बैंड साहब है खूब हमारे छोटे वाले दामाद खूब कमाए, इसको खूब इसके ऊपर उड़ाए, हमारी बहन खूब खुश करें, ऐस करें अपनी ज़िंदगी में, अच्छा मौज जिए, क्योंकि हम लोगों ने तो दुख देखा ही, हम नहीं चाहते कि हमारी बहना जो है दुख देखे। हम तो यार देखो नचनिया है, नाच करने वाले आदमी है क्या मम्मी, नाच करेंगे तो पैसा मिलेगा, नाच मेरा गुरूल तो पैसा मिलेगा। हम नहीं चाहते कि हमारी बहनें को आप देखते हो हमारी वीडियो में डांस वगैरह करते के लिए, तो ये सिर्फ हमारे सपोर्ट के लिए आते हैं। इन लोगों का ये चीज़ नहीं है कि बहन को इसी जीवन में ले जाना है, हम चाहते हैं कि कहीं अच्छा घर में चली जाए। और हमारे गाँव का नियम और रूल वसूल भी कहता है कि सही टाइम पे जो आपकी अगर बेटी का शादी हो जाए तो बहुत बेटर रहता है, ये रूल के हिसाब से रहता है। तो बस आप लोग का आशीर्वाद है, मैं तो चाहूँगा कि दोनों का जोड़ा जो है सलामत रहे, खुश रहे और खूब जीवन में आगे बढ़े, तरक्की करे। बाकी हम लोग तो नचनिया है, बस आप लोग हमको आशीर्वाद दीजिए,
हमसे जो बन पड़ेगा अपनी बहना के लिए करेंगे। आई होप आज के ब्लॉग के लिए इतना, चैनल में चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बगल में स्टडी जाकर के फॉलो के लिए अपना क्यों देने का मेरा ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइज रुके रुके रुके, आप लोग के लिए एक स्पेशल ब्लॉग है। खेसारी लाल यादव सर हम अपने सुपरस्टार भोजपुरी के अंदर से सबसे बड़े सुपरस्टार से मिले थे। लिंक डिस्क्रिप्शन ब्लॉग या साइड में दिख रहा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पूरा फुल ब्लॉग वीडियो मिल जाएगा आपको। जाइए डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिएगा तो न्यू ब्लॉग वीडियो लिखा होगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, जाकर के फुल ब्लॉग को वॉच कीजिए। वो उस ब्लॉग पे भी ढेर सारा प्यार दीजिए। मैं चाहता हूँ कि उस ब्लॉग पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कर सके और हमें और ज़्यादा सपोर्ट मिल सके।